नमस्कार। ये 36 का आंकड़ा क्या है? लोग बार बार ये क्यों कहते हैं एक दूसरे से कि यार मेरा उसके साथ 36 का आंकड़ा है, मेरी उससे नहीं बनती है। जब किसी की आपस में नहीं बनती है ना, तब लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं कि मेरा उसके साथ 36 का आंकड़ा। आखिर लोग इसको 35, 37 ऐसे क्यों नहीं बोलते कि मेरा उसके साथ 35 का आंकड़ा है, मेरे उसके साथ 37 का आंकड़ा है, ऐसा क्यों नहीं बोलते? वाह, ऐसा ही बार बार रिपीट क्यों करते हैं कि मेरा उसका 36 का आंकड़ा है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? आई थिंक यू डोंट नो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज इस 36 के आंकड़े के पीछे लॉजिक जानेंगे, आखिर इसका मुहावरे का अर्थ कैसे पड़ा। देखिए, 36 का आंकड़ा ही क्यों होता है, लोग 35, 37 क्यों नहीं बोलते? 36 थ्री और सिक्स से मिलकर बना है, ये तो आप जानते ही हो। ये रोमन भाषा में बना हुआ है 36। अगर आप इसको नोट करना, अगर आप इसको अगर हिंदी में लिखते हो ना, 36 को अगर हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? दैट इज, इस तरीके से लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये अपनी हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा में ही नाम पड़ा है 36 का आंकड़ा। अब देखिए, ये 36 हिंदी में जस्ट उल्टा दिखता है। ये देखिए, थ्री इधर है, सिक्स इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। दैट इज, गणित के टीचर बताते हैं कि हिंदी में दोनों अंकों को अगर एक साथ लिखते हैं ना, अगर हिंदी में अगर इन दोनों अंकों को एक साथ लिखते हैं तो ये कैसे होते हैं? ये ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे की पीठ करके खड़े हुए दिखाई देते हैं। मतलब जब आप इनको हिंदी में लिखोगे ना, तो आप खुद देखोगे, आप लिख के देखना, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं एक दूसरे की। मतलब ऐसे लगता है कि यह आकृति क्या बताती है? यह आकृति आपको क्या बता रही है? यह आकृति बता रही है कि दोनों एक दूसरे का विरोध का आभास कराती है। मतलब ये जो आकृति है ना, दोनों एक दूसरे को पीट करके, ये दोनों की एक दूसरे का विरोधाभास का आभास करा रही है यह आकृति। ऐसा लगता है दोनों अंक एक दूसरे के विरोधी हो, इसलिए इसको 36 का आंकड़े के पीछे यही लॉजिक है। ये जो आप लिखते हो ना हिंदी में, तब आपको लगता है कि इन दोनों को आप गौर से देखना, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो, ऐसा लगता है। तो इस 36 के आंकड़े के पीछे यही लॉजिक है। आप कोई सी भी संख्या उठा के देख लो, 1 to 100 तक, कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो आपको विरोधाभास का आभास कराएगी। कोई सी भी कर आप हिंदी में लिखने के बाद में ऐसी आकृति नहीं बनेगी, उल्टे जैसी, दोनों एक दूसरे के पीट करके खड़े रखे, ऐसी कोई आकृति नहीं बनेगी। यह सिर्फ और सिर्फ 36 के जो संख्या है हिंदी में, उसी से ही बनती है। इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ प्राय 36 का आंकड़ा, कि मेरा उसके साथ नहीं बनता है, विरोधाभास, दोनों एक दूसरे के पीट करके खड़े हुए। तो ये है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।